Thank you.
कोमा और ऑटोसिस्टेमिक इनपिटुलोपैथी और पेट्रोसेरेब्रल डिस्टर्बेंस और लास्ट में लिखने का स्टाइल है अपना, जिससे हम लोग सिंपली लिखते हैं पेटिकोम, क्योंकि हम लोग सिंपल डॉक्टर हैं। अगर एक केस चला जाए एम्स में वहाँ लिखेगा एक केस चला जाएगा पीजीआई चंडीगढ़ में तो लिखेगा ऑटोसिस्टेमिक इनपिटुलोपैथी, यही केस बिलोट चला जाएगा तो लिखेगा पेट्रोसेरेब्रल डिस्टर्बेंस, बट मिलिंग मीनिंग आर सेम, सब एक ही बात है। तो इन केस एग्जामिनेशन में अगर कोई डिफेक्टिव इनपिटुलोपैथी बताया जाए कि बात लिखो, हिपेटिक ट्यूमर बोला जाए सेम बात हो गया, अगर ऑटोसिस्टेमिक इनपिटुलोपैथी या पेट्रोसेरेब्रल डिस्टर्बेंसेस तो बात सेम होता है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर जाना जिसका मीनिंग क्या है ना, मीनिंग सबका सेम। रिगार्डिंग डेफिनेशन पेटिकुलोपैथी है ना, तो कोशिश करना कि डेफिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। कोई भी अगर हम बोलते हैं पर्टिजिसिस तो डेफिनेशन का बहुत मीनिंग है, यानी एक डेफिनेशन से है ना कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितने व्यक्त हैं, क्योंकि एक डेफिनेशन जो है बहुत सारा बात को बता देता है, किसी आदमी का प्रेजेंटेशन हर बात को क्लियर कर देता है ना, कि वो डेफिनेशन क्लियर करता है पार्टीजी एनाटॉमी पार्टीजी फिजियोलॉजी पार्टीजी पैथोलॉजिकल चेंजेस पार्ट ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है ना, इतना एक्यूरेट डेफिनेशन होना चाहिए डिफिनेशन पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से डिफिनेशन बता देंगे एग्जामिनर कुछ नहीं समझो कि डिफिनेशन में पास तो कर दिया है ना, अब उसके बाद वो और अदर क्वेश्चन पूछे है ना, आपका लेवल वही से बढ़ गया एकदम डिफिनेशन से, और डिफिनेशन में ही आप हकलाने लग गए तो ये समझ जाएगा कि ये तब कुछ बात इसमें देखना क्लियर करेंगे लिवर डिजीज के कारण ये प्रॉब्लम होता है ना, एंड कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली, यहाँ पर करो क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली बाय डिक्रीज लेवल ऑफ कंसियसनेस और इम्पेयर्ड कंसियसनेस, नंबर वन दैट इज ड्रॉजीनेस दैट इज कोमा। आज तुम लोग में कुछ स्टूडेंट कुछ कम दिख रहा है क्या, बोलो इंटरेस्ट क्या तुम लोग को कम है क्या, कम है तो बोल देना से दो चार काम हमको मैंने यहाँ का कुछ चीज देख करके एक बैच में पढ़ा रहे तुम लोग से सीनियर बैच को
जो भी इंटर्नशिप कर रहा है, तो एक मेरा ही फ्रेंड कैनी मेहनत पास होगा, दोनों बैचमेट, तो वो पढ़ाक गई, ठीक ना, वो प्लस आगे बढ़ी, उसके बाद हम इंटर किए। देखिए कुछ स्टूडेंट जो है उधर से वैसे रास्ता है क्या इससे? अच्छा नहीं, लेकिन हम देखें कि कुछ स्टूडेंट जो है, दोनों लड़के ने, हम तो सुनते थे कि लड़के बदमाश होता है, लेकिन अब जानने लगे कि लड़कियों बदमाश होती है। तो वो लोग सब अच्छा, मतलब कम से कम 10 निकल गया, मतलब मेंटली हमको शौक पहुंचा। हम लोग जैसे टीचर को बहुत शौक पहुंचा, जैसे बेसिकली हम जो यहाँ आए हैं पढ़ाने के लिए आए हैं, अगर हम इंटरेस्ट स्टूडेंट का नहीं देखते तो उतने जल्दी हम बदली करा के जा भी सकते हैं, और हम रहेंगे घूमने गया है ना, गया से हम जल्दी चले गए। तो लेकिन एक इंटरेस्ट उनको था, उनको सब मना कर रहा था कि आप छुट्टी में चले गए, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, लेकिन एक ही ग्राउंड मेरा कमजोरी है, जिससे हर इंसान का कोई ना कोई कमजोरी रहता, तो पढ़ाना मेरा कमजोरी था, अब वही हमको यहाँ लाया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिलता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, खर्च करना तो खर्च का क्या कमी, कोई कमी नहीं। और दूसरा कि बहुत दिन से छुट्टी एक्यूमुलेटेड है, जब चाहे तो जा सकते हैं, और नहीं तो लास्ट में ट्रांसफर तो है, तो तीनों रास्ता हम अपना चुके हैं। कहा यहाँ का सिचुएशन देख करके एक तो अपना डिपार्टमेंटल से भी थोड़ा सा नाखुश हैं, और स्टूडेंट के उससे भी हम नाखुश हैं, अगर हमसे पूछो, ठीक ना, कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहता है कि सब हम हैं, इसीलिए नो डाउट थ्योरी पढ़ के स्टूडेंट अच्छा करता है, थ्योरी में देखे हैं, इसलिए बात बहुत अच्छा लिखा था, बेहतरीन हम बता नहीं सकते, लेकिन क्लिनिकली बहुत कमजोर, बहुत वीक, इतना वीक कि बता नहीं सकते। चलो कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शसनेस दैट इज ड्राउजीनेस स्टुपोर, स्टुपोर एक टर्म है, ड्राउजीनेस अगर माइल्ड डिग्री का, स्टुपोर उससे और ज्यादा डिग्री का, एंड कोमा तो सीवियर डिग्री का हो गया, जिससे उसका स्टेजिंग होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इसे करके। तो अगर पेशेंट ड्राउजी है स्टेज 1 में है, स्टुपोर है तो उससे ज़्यादा है, इम्पेयर्ड कॉन्शसनेस है नेक्स्ट 4 डिग्री, 3 डिग्री हो गया, तो कोमा में चला गया, तो फाइनल स्टेज पेशेंट इज कोमाटोज नॉट रिस्पोंडिंग टू एनी स्टिमुलस, इसका मतलब है कोमा। Drowsiness means sleep-like state. Stupor means response to mild stimuli. Semi-conscious response to painful stimuli. And coma, not responding to any stimuli. And there is a personality change. Uske personality mein change ho jayega. Kya change ho jayega? Normal behavior. एग्रेसिव बिहेवियर लगेगा, कितना मार देगा, पीट देगा, देयर इज ए इन्वर्सन ऑफ स्लीप रिदम। नॉर्मली क्या होता है कि एक आदमी दिन में जगता है और रात में सोता है, उसका उल्टा हो जाता है, दिन में सोएगा और रात में जगेगा। तो देयर इज ए, जैसे तुम लोग का होता है कि 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हो, अब उधर 11 बजे तक सोते,
यही स्टूडेंट का बिहेवियर होता है, जस्ट लाइक ए पेटिकिन के पेपर पे, ठीक ना। तो एबनॉर्मल बिहेवियर, इनवर्सन ऑफ सिविक फ्रीडम, इनवर्सन ऑफ सिविक फ्रीडम, सिविक एंड अदर न्यूरोलॉजिकल साइन, अदर न्यूरोलॉजिकल साइन। क्या न्यूरोलॉजिकल साइन का है? नंबर वन, दैट इज सेरेबिलर, सेरेबिलर मींस छोटा बड़ा वाला तो सेरेब्रल होती है, हम लोग सब जानते हैं। सेरेबिलर डिसफंक्शन नंबर वन। सेकेंड, पार्किंसोनियन सिंड्रोम, पार्किंसोनिज्म, दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल। एंड देयर इज स्पास्टिक पैराफेरेसिस, स्पास्टिक मींस अपर मोटर न्यूरॉन टाइप इन विच टोन इज इंक्रीज, स्पास्टिक पैराफेरेसिस। दो टर्म आता है, एक टर्म आता है पेरेसिस, पेरेसिस, और दूसरा टर्म आता है लेजिया, पेरेसिस, लेजिया। लेजिया और पेरेसिस में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? जैसे इसी में जोड़ दिए हेमी, या इसी में जोड़ दिए पारा, इसी में जोड़ दिए हेमी, या इसी में जोड़ दिए पारा, ये क्या हुआ बोलो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेसिस एंड लेजिया? बोलो ठीक से, बोलो जोर से। इसका कहना है कि पेरेसिस देयर इज अ सेंसरी लॉस, नहीं सेंसेशन लॉस कहते हैं। हां पेरेसिस मींस यहां सेंसरी लॉस। अच्छा तुम लोग को टाइम है पूरा, अभी से पढ़ सकते हो ना? मिनिमम हम 1.5 आवर पढ़ाते हैं, क्लास तो होता है 45 मिनट्स का, है 45 मिनट्स में 5 मिनट टीचर जो है अटेंडेंस बनाता, ठीक, 5 मिनट टीचर बहस करता, कुछ कुछ बोल कर टाइम पास, उसको बोलो टाइम पास, और 5 मिनट पहले छोड़ देता, 15 मिनट हो गया, 45 में 15 माइनस कर दो तो 30 मिनट पढ़ाता है मोस्ट ऑफ द टीचर, ठीक ना। लेकिन हम 45 मिनट में हम आधा घंटा पढ़ाते हैं ना, तो हम अटेंडेंस लेते हैं, ठीक ना। तो 5 मिनट को हम बचा दिए ना, तो हम एक्स्ट्रा निकाजी वाला गप करते हैं, हमको गप करने आता है ना, तो वो भी 5 मिनट कर दिए, और हम छोड़ते नहीं हैं, आज तक क्लास छोड़े नहीं हैं। जब स्टूडेंट बोल दिया कि हमको सर भूख लग गया, तब रुक गया, ठीक ना। ऐसे कल भी, कल की जो पिछले दिन हम पढ़ाए तो हम टाइम देख के तो बज रहा था 12:30, शुरू किए थे 11 बजे, हाँ तो 1.5 घंटा। अब बताओ सर, अब तुम क्या बोल रहे हो, बोलना चाहते हो? क्या होता है? वीकनेस। आप लेजिया में क्या बोले? पैरालिसिस मींस, पैरालिसिस मींस तो वीकनेस होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होती है? मोबिलिटी नहीं है,
किसमें? लिम्स में या फिर जो भी साइड अफेक्टेड है वो मोबाइल किसमें? लेजिया में कि पेरिस लेजिया में लेजिया में तो उनको भी बोले किसमें वीकनेस रहेगा तुम्हारे अनुसार वीकनेस मोबिलिटी रहेगा इसमें मोबिलिटी नहीं होगा तो भी तो वीकनेस है तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा वीकनेस इज प्रेजेंट इन बोथ द कंडीशन दोनों कंडीशन में वीकनेस होता है और तुम्हारा उस गलत है आंसर कि देयर इज नो सेंसरी लॉस सेंसरी लॉस से मतलब नहीं है यहाँ मोटर लॉस होता है मोटर फंक्शन डिरेंज करता है सेंसरी नहीं तो सेंसरी से मतलब नहीं है और कोई बता क्लियर कर सकता है इसको बोलो कोई क्लियर कर सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेसिस एंड लीजिया और ये भी हम बताते हैं देयर इज मोटर इन्वॉल्वमेंट नो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट मोटर इन्वॉल्वमेंट उसी में लग गया अगर हिंदी हाफ हो गया वन साइड अगर उसी में पारा लग गया वो धुले सेम प्लेजिया में अगर हिंदी लग गया तो हिंदी प्लेजिया और पारा लग गया पारा प्लेजिया लेकिन बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेरेसिस एंड प्लेजिया ये बताना पड़ेगा हम लोग को बोलो जल्दी कोई बोल सकते हो वीकनेस इज प्रेजेंट इन बोथ द कंडीशन इफ देयर इज ए इनकम्प्लीट वीकनेस अमार्कर हम कुछ रास्ते पर आ रहे हैं को चाहिए एकदम क्लियर कर एकदम फाइबर फाइबर को अलर्ट कर देने का इफ देयर इज ए इनकम्प्लीट वीकनेस देयर इज ए पेरिसिस पेरिसिस मींस इनकम्प्लीट वीकनेस हां चल लेते हैं लेकिन वीकनेस है इसमें कंप्लीट वीकनेस बस और कुछ नहीं कि एकदम आप पैर मूव ही नहीं कर पाए कुछ नहीं मूव कर पाए एकदम पड़े हुए हैं बिस्तर तो दैट इज ग्लेजिया बात समझ गए ना एंड इफ देयर इज ए इनकम्प्लीट वीकनेस मतलब चलता है लेकिन वो थोड़ा ठीक से नहीं चल पाता लगेगा कि इसका एक राइट साइड का पैर और हाथ कमजोर है एक काम कर रहा है लेकिन बढ़िया से इसको उठा नहीं पा रहा क्या ये खाली है मान लो हाइट मेजिक का है इसको उठा नहीं पा रहा पेरेसिस और अगर कुछ मूव भी नहीं करता है वहां तक पहुंच करके कुछ नहीं करता है सेकेंड डिफरेंस एक होता है इस पास्टिव एक होता है प्लेसिव हम टर्म लिखे हैं उसी को क्लियरिफाई कर वन टर्म इज इस पास्टिव अदर टर्म इज प्लेसिव स्पास्टिक डिक्रीज टोन इंक्रीज टोन प्लेसिव डिक्रीज टोन अगर इंक्रीज है उसको बोलते हैं स्पास्टिक तो यहां पर क्या लिखे हैं स्पास्टिक पैराफेरेसिस नॉट प्लेजिया पैराफेरेसिस नॉट प्लेसिव इस पास्ट अब तक तुम मीनिंग समझ गए टोन इज इंक्रीज एंड देयर इज ए माइल्ड वीकनेस वीकनेस इन कंप्लीट वीकनेस एंड द लास्ट पॉइंट इज डिसओरिएंटेशन डिसओरिएंटेशन सो रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ डिफेक्टिव इंक्रीपलोपैथी इट इज ए न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन इट इज ए सिंड्रोम और सिंड्रोम
ड्यू टू लिवर डिजीज डिजीज होना चाहिए लिवर एंड कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली बाय डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बाय पर्सनालिटी चेंजेस यानी कि नॉर्मल बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर इन्वर्सन ऑफ स्लीप एंड अदर न्यूरोलॉजिकल साइन दैट इज सेरेब्रुलर डिसफंक्शन दैट इज पार्किंसोनियन सिंड्रोम एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट दैट इज स्पास्टिक पैराफेरेसिस एंड देयर इज अ डिसओरिएंटेशन ये डिसीजन अगर तुम बोलते हो तो एग्जामिनर के दिमाग में लगेगा कि अरे साला इतना बात तो हम भी नहीं जानते हैं सब बात बता तो जहां एग्जामिनर सोच ले कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर तब तक मार्क्स का तुमको भरमार सोचने में लेकिन ये बात को तुमको क्लियर करना है हाँ हम जो है विषय के एक एक चीज को जानते हैं तो एक डेफिनेशन आप बोलोगे तब आपको और डेफिनेशन में अगर गड़बड़ी करोगे तो नंबर में क्यों करोगे Regarding etiology, what are the etiology of effective?
आज हेडेक कहा हुआ
लेकर परीक्षा है इसीलिए लेकर बस कुछ नहीं करो जाओ पारसिटामोल का गोली लेकर खा समझ गए ना ये पारसिटामोल ने तो क्या किया एस्प्रिन वो खून दवा है सर में दर्द है एकदम दुकान से जाता है एस्प्रिन का गोली दे दीजिए तो अरे हमको तुरंत आराम हो जाता है डॉक्टर के पास क्या जाना है डॉक्टर तो पैसा भी लूटेगा तो लुटेरा होता है तो एस्प्रिन और अब गोहर जो लोग गोहर देते हैं तो अब गोहर में चांसेस होता है कि बिपेट चिकन के टूर में चिकन बन और रेयरली नॉट कॉमनली एंटी ट्यूबरकुलस दैट ऑलवेज लिवर डैमेज अगर आप खाते रहे हैं कैच नहीं किए इसीलिए हम लोग के टीचर देखते थे बताते थे कि पेशाब तो पीला होगा दवा खाने से उसके काम की सिम जो है अगर विभिन्न श्रीफाम की सिम इम्यून के कलर को एक्सप्लोर कर तो कोई बात नहीं लेकिन देखिएगा आँख पीला नहीं होना चाहिए जैसे ही आँख पीला हो जाए दवा बंद कर दीजिएगा बहुत लोग क्या कहता है कि अरे ऐसे ही पीला हुआ नहीं ठीक है तुम पीला साड़ी पहने हो ना इसीलिए पीला लगता है समझ गए ना तो एक बात को ध्यान में रखना कि बोलते हैं अच्छा डॉक्टर कि ये दवा अगर आपका आँख पीला होने पर से कमी कर दें तो अच्छे डॉक्टर का निशान है ना बढ़िया डॉक्टर इस बात को लिखते कि पेशाब पीला होने पे चिंता न करें लेकिन आँख अगर पीला हो जाए क्योंकि बहुत सारा ड्रग है दैट कॉजेज डिस्कलरेशन येलो डिस्कलरेशन लाइक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक है तो यूरिन के कलर को एब्जॉर्ब करता है बी कॉम्प्लेक्स को खाने से ना देखो बिटू यूरिन का कलर एब्जॉर्ब करता है रिफॉर्म को सीन इंटेक्टिवल प्लस ड्राइव का वो खाने से पेशाब पीला होता है नो टेंशन कोई चिंता नहीं लेकिन अगर स्क्लेरा का कलर एब्रोड हो जाए दैट इंडिकेट्स जॉन्डिस उसी को एवॉइड करता है करते करते हो सकता है कंडीशन जा सकता है अरे वी मीन्स रिफम्पिसिन INH मीन्स आइसोनियाज़ाइड एंड BZ मीन्स पैरासिनामाइड दिस थ्री ड्रग एग्जाम लेना एक क्लिनिकल बात भी हम बताते चलते हैं हम जानते हैं ना तो क्लिनिकल को भी लेते चलते हैं व्हाट आर द ड्रग्स दैट कॉजेज हेपेटाइटिस दैट कॉजेज जॉन्डिस तो ये बात को भी ध्यान में रखते जाना है तो ये नॉट ओनली इम्पोर्टेंस एक बार चेस्ट पेन हम लोग से सीनियर क्वेश्चन बैच को पढ़ाए चेस्ट पेन मीन्स मोस्टली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अदर कॉजेज भी उसको डिटेल सम कर दिए थे कोई क्वेश्चन थ्योरी में पूछ लिया है ना अब माइक्रोन स्टेनोसिस को हम क्लास में पढ़ाए थे बोले सर आपका तो खूब बढ़िया से लिख दिया सर जैसे माइक्रोन स्टेनोसिस में लिख दिया और चेस्ट पेन में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पूछा था और चेस्ट पेन बताए थे क्लिनिकल क्लास यानी एक क्लास होता था उस समय क्या बोलते हैं ट्यूटोरियल क्लास उसी में बताए उसका काम चार क्वेश्चन का जवाब देना है दो क्वेश्चन इधर से हो गया बाकी अपने पढ़ा तब तो बहुत अच्छा होता तो इस रिफॉर्म के सेन INH पैरा दिनामाइड आते थ्री एक्टिव दैट कॉजेज हेपेटाइटिस
that made out of the tricking community. But this streptomycin or the thermophore does not come except ETB. ETB means thermophore, SM means streptomycin. And so can we use it? SM means streptomycin, ETB means except. Means three drug called hepatitis. Called jaundice. Called rarely hepatitis. तो बोलो हम पुलिस से बुला रहे हैं, हम बाहर